Arunachal Pradesh today from Assam. Elaborate security arrangements have been made for the Arunachal Pradesh leg of the Yatra in view of the attack on the Yatra that took place in Assam yesterday. The Congress party has accused the Bharatiya Janta Yuva Morcha of an attack targeting the youth Congress vehicles during the ongoing Nyaya Yatra. And as per the Congress's allegations, banners and posters welcoming its Bharat Jora Nyaya Yatra to Assam's Lakhimpur were vandalized and raised. Meanwhile, the Congress has also accused the Assam chief minister of disturbing the Yatra and trying to halt it. The senior party leader said that they filed an FIR against the attack and condemned the alleged move by the BJP. देश में बीजेपी और आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं यह बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है यात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है हम छह सात घंटे यात्रा करते हैं और शाम को हम पंद्रह बीस मिनट अपना भाषण देते हैं हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं आपके दिल में जो है वो समझना चाहते हैं आपके मुद्दे उठाना चाहते हैं यह यात्रा असम से भी निकलेगी वापस कल हम असम आएंगे और असम से निकलेगी और इसको रोकने की या इसको टोकने की कोशिश ना की जाए हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और जिंदा रहेगा ऑपोजिशन का गला ना घोटा जाए ऑपोजिशन को आगे जनता की आवाज उठाने के लिए जो उसका कर्तव्य है उसको पूरा करती रहेगी और उसको ना रोका जाए कांग्रेस पार्टी लखीमपुर की इस घटना की तीव्र निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री आसाम के हिमंतो बिश्वास शर्मा को यह कहना चाहती है कि इन घटिया हरकतों से वो बाजाये